पीछे मीर साहब, अब चूंकि वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड कप का भी सीजन है, तो सियासत के साथ साथ क्रिकेट पर भी आपकी नज़र रहती है, उस हवाले से भी आपका तज्जिया बड़ा ज़रूरी है सर। तो ये बताइएगा कि इस वक्त वर्ल्ड कप में आप पाकिस्तानी टीम को किस तरह से देख रहे हैं? आज फर्स्ट मैच है नीदरलैंड्स के अगेंस्ट, सिलेक्शन टीम की कैसी है सर, मुतमईन आप? देखिए, वो सर्कमस्पेक्ट है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, पूरे हमारे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे हमें तनकीद इस वक्त का, ये तनकीद का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें अपनी टीम को इस वक्त शाबाशी देनी है कि भाई तुम बेहतर से बेहतर करो। लेकिन जब आपने वर्ल्ड कप की बात की, इंडिया ने इस वर्ल्ड कप का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जैसे अभी आप कह ही रहे थे कि हमारे जो सहाफ़ी हैं वो नहीं जा सके, और यू नो ये विदाउट पाकिस्तान जर्नलिस्टिक इम्प्रेशन जो है उसके बगैर खेला गया। वर्ल्ड कप में क्रिकेट को भी जो है नहीं जाने दिया गया, उनको टिकट्स नहीं दी गई, वीजा नहीं दिया गया। देखो, क्रिकेट का ये वर्ल्ड कप का मकसद क्या है? वर्ल्ड कप का मकसद जब मैं पहला वर्ल्ड कप खेला था पाकिस्तान के लिए, तो उसमें यही था कि एक ब्रदरहुड क्रिएट की जाए, एक फ्रेंडशिप क्रिएट जाए, एक दूसरे से आपका एक कोहेशन हो, यू नो गेटिंग पीपल टुगेदर। इंडिया तो उसका रिवर्स कर रहा है। इंडिया इंस्टेड के उसकी स्पिरिट में जाए, वर्ल्ड कप की स्पिरिट में जाए, उसने देखो ये क्या किया है। एक तो हमारे साथ धर्मी एशिया कप में सारा एशिया कप बर्बाद कर दिया, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा था, उसके बावजूद सिर्फ जिद में आके उन्होंने सब कुछ किया, और अब वो वर्ल्ड कप में भी वही सब कुछ कर रहे हैं। देखिए ना, वो एक कहावत है उर्दू की, पंजाबी की भी है, कि बंदर के हाथ अगर आप उस तरह दे दें तो वो क्या करेगा। तो ये इस वक्त जो क्रिकेट है वो बंदरों के हाथ में, और ये बंदर है, इन बंदरों ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, एशिया कप पे इन्होंने बेड़ा का गर्क किया है, और इन्होंने इस वक्त अपने वर्ल्ड कप जो है इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक टाइम आएगा कि जब इंडिया को भी आइसोलेशन में हम रखेंगे, पूरी दुनिया रखेगी, क्योंकि इनफ बहुत इनफ है। मीर साहब, अभी जो हालात हैं क्रिकेट के, उसको देख के तो लग रहा है कि बीसीसीआई ने आईसीसी को होस्टेज कर रखा है। कोई भी जो है वो फैसला उनके अगेंस्ट नहीं आ रहा इस हवाले से भी। कल भी पहला मैच हमने देखा, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, स्टेडियम खाली था, कोई शायकीन वहां पर उस तरह से नजर नहीं आए। स्पिरिट ही तोड़ दी है मेरे भाई, स्पिरिट तोड़ दी है उन्होंने, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट उन्होंने बर्बाद करके रख दी है। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच, उस पर तो स्टेडियम भरे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। आप बाकी भी देखेंगे, इस तरह चीज नहीं आएगी, क्योंकि लोगों की स्पिरिट्स आपने तोड़ दी है। आपने बिल्कुल वो एक माहौल, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि जिसमें इंस्टेंट के प्यार और मोहब्बत और खलूस एक दूसरे के मुतालिक आप करें आगे, इन्होंने नफरतें फैलाई और नफरतें फैला रही है। तो ये बेसिकली बनमानस जो है, ये इवेंचुअली इनका टाइम होता है, ये इवेंचुअली अपने दरख्तों पे चले जाएंगे, क्योंकि इनका मकाम ही वही है, इनका मकाम क्रिकेट ग्राउंड में नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम देखते हैं, वेलकम किया गया हमारे खिलाड़ियों का वहाँ के शायकीन की जानिब से, वीडियो सामने आई सोशल मीडिया, बड़ी पॉजिटिव बात थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो पसंद करते हैं हमारे खिलाड़ियों को, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर के बहुत नारे लगाए गए वहाँ पर, और दीगर जो खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके भी फैंस मौजूद थे। सवाल ये कि क्या बीसीसी के जो है जो इस तरह के इकदाम उनकी जानिब से किए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ कोई आलमी आवाज उठेगी? उठनी चाहिए, नहीं उठेगी तो उठनी चाहिए। हमारे जो इस्तकबाल हुआ है वो वहाँ जहाँ गए हैं हैदराबाद, वहाँ ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, और मुसलमान वहाँ रहते हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली इनको उस आप कह लो के लिहाज से उन्होंने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका ये जो सवाल है, ये तो आईसीसी के मेंबर्स और आईसीसी की कमेटी को देखना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, ये होस्ट कंट्री कर क्या रही है। होस्ट कंट्री का ये इंडिया कप है, ये वर्ल्ड कप है, इसको वर्ल्ड कप की तरफ आप देखो। आप इसको ये नहीं देख रहे कि ये यू नो वर्ल्ड कप है, बल्कि इंडिया सेंट्रिक आपने इसको बना दिया, और इसके रिपरकशंस होंगे, होने चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन द नियर फ्यूचर वर्ल्ड कप के बाद भी आप देखेंगे हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा तनकीद आएगी। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात और वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज के YouTube चैनल को, और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।